So students, next organelle which we will discuss is the lysosome. So lysosomes को previously discuss कर चुके हैं जी, कहाँ पे बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मजीद मॉडिफिकेशन हुई विद इन द गॉलजी अपरेटस, और गॉलजी अपरेटस ने अब क्या रिलीज किए, लाइजोसोम्स रिलीज किए। ओके जी, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, और डायमीटर इनका क्या है, 250 to 750 नैनोमीटर। इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर है। रेगुलर शेप स्ट्रक्चर क्यों जी? डिपेंड करेगा, इसने इनगल्फमेंट की, पार्टिकल्स आए, बैक्टीरियाज आए, वायरसेज आए, वॉर्न ऑफ एक्स्ट्रा मटीरियल सेल का अपना आए, उसको डाइजेस्ट किया, सो साइज इनका वेरी करता रहता है। अब जी लाइजोसोम्स, गॉलजी अपरेटस का नाम, सेकंड नेम वाज द रैपिंग एंड द पैकिंग यूनिट। लाइजोसोम्स का सेकंड नेम है दैट आर द सुसाइडल बैग्स। ओके, व्हाई दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स? दीज आर द सैक्स व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स, व्हिच कंटेन द लिटिक एंजाइम्स। ओके, जो ब्रेक डाउन करेंगे किस किस्म के मटीरियल की, अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल डिस्कशन का पॉइंट है कि व्हाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड दीज सुसाइडल बैग्स। ओके, इन्हें सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं बिकॉज इन लाइजोसोम्स के अंदर एबिलिटी है कि डिस्ट्रॉय कर दें अपने ही उस सेल को जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। सो दे हैव एबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल इन विच इट इज प्रेजेंट। लाइजोसोम ब्रस्ट किया, इसने अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि किस प्रोसेस के ऊपर, क्या सेल्फ डाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर गया, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के ऊपर चला गया, दैट इज एपोप्टोसिस। सो अब लाइजोसोम्स बेसिकली ब्रस्ट करते ही क्यों है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ क्यों जाते हैं, एपोप्टोसिस की तरफ क्यों जाते हैं? ओके, अब सिचुएशन क्या है जी? ये प्रोसेस तब होगा जब आपका सेल डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, मजीद आपके सेल के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो रिपेयर कर सके। सो इन दैट केस आपके लाइजोसोम्स हेल्प के लिए आएंगे, अपने आप को ब्रस्ट करेंगे और पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ चले जाएंगे, या जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, इस प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। सो द क्वेश्चन वाज व्हाई लाइजोसोम्स ब्रस्ट एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स। आखिर अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? बिकॉज आपका सेल पूरी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, रिपेयर के कोई चांसेस नहीं है। इन दिस केस अब आपके लाइजोसोम्स हेल्प करेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे, खुद ब्रस्ट कर जाएंगे और आपके सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, दैट विल बी द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट विल बी एपोप्टोसिस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर लाइजोसोम्स इतने ही हार्मफुल हैं तो व्हाई लाइजोसोम्स डू नॉट डाइजेस्ट इट्स ओन मेम्ब्रेन। अगर आप गॉलजी अपरेटस को याद करें तो उसमें हमने डिस्कस किया जी, फॉस्फोलिपिड्स बन रही हैं, वेसिकल बन रहे हैं, वेसिकल लाइजोसोम का वेसिकल भी बना, उसकी कंपोजिशन क्या है। उसकी कंपोजिशन में एक्चुअल बात यह है कि जब आपने, आपके गॉलजी अपरेटस ने लाइजोसोम की फॉर्मेशन की, लाइजोसोम का वेसिकल बनाया, तो उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स एक्सेसिवली ऐड कर दिए, जिसके वजह से आपके जो लाइजोसोम की मेम्ब्रेन है दैट इज मोर पावरफुल मेम्ब्रेन, जिसे कि आपके लाइजोसोम के एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो अब जो प्रोटीन्स आपको आपके लाइजोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर मिल रही है, बेसिकली उसके अंदर हायर कंटेंट है, ज्यादा अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर शुगर की, जिसकी वजह से आपके लाइजोसोम एंजाइम्स अपनी ही मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू द प्रोटीन्स। ओके, अब लाइजोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? लाइजोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, आपके साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। लाइजोसोम्स बने कहाँ से? मेकिंग अपरेटस कलेक्शन स्टार्ट होगी थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मॉडिफिकेशन हुई जी गॉलजी अपरेटस में, बेसिकली गॉलजी अपरेटस इनका ओरिजिन आप कह सकते हैं, गॉलजी अपरेटस इनका ओरिजिन है। ओके, अब इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम्स का काम है ब्रेक डाउन करना। किनकी ब्रेक डाउन करना? पोलीमर्स की। वो पोलीमर्स कौन से हैं? दीज पोलीमर्स आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिपिड्स। सो हर स्लाइड के नीचे आर्टिकल का रेफरेंस मेंशन है जहां से ये मटेरियल लिया गया। ओके जी, ये लाइजोसोम्स का आपके पास काम आ गया कि पॉलीमर्स की ब्रेक डाउन करना। पॉलीमर्स में प्रोटीन्स हैं आपके, न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके लिपिड्स आ गए। सो अगर ये इतनी ब्रेक डाउन कर रहा है, सो वी कैन से दी बी एक हमने इसका नाम लिया दैट आर दी सुसाइडल बैग्स। दूसरा नाम हम लाइजोसोम्स को क्या दे सकते हैं? दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी सेल। सो
या आपके सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसका काम क्या है, बाहर से आए एक्सटर्नल मटेरियल को, वायरसेस बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना, आपके ही सेल का कोई मटेरियल डैमेज हो गया है उसको इनगल्फ करके, उसको डिस्ट्रॉय करके सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। अगर आपका सेल रिपेयर नहीं हो सकता तो प्रोग्रामड सेल डेथ की तरफ जाना खुद को ब्रस्ट करने के बाद। ओके ये चीज आ गई। अब जी इनका साइज वेरी करता है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं, रेफरेंस नीचे मेंशन है, साइज वेरी करता है, शेप वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन दैट मटेरियल व्हिच इज इंजेस्टेड बाय द लाइजोसोम। लाइजोसोम ने जो मटेरियल इनटेक किया उसके बिहाफ पे हम कह रहे हैं जी इनका जो साइज है, इनका जो शेप है वो वेरी करती है। ओके डिस्कस्ड ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन। बेसिकली अगर हम बैक जाएं, बेसिकली स्टार्ट हुई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन गोलजी अपरेटस में आके उसकी मॉडिफिकेशन हुई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जी मेम्ब्रेन में लाइजोसोम की मेम्ब्रेन क्यों इतनी टफ है, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। जी गोलजी अपरेटस में आया आपका पूरा वेसिकल, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस हुआ, इवन देन आपके लाइजोसोम्स वहां पर इनएक्टिव हैं। क्यों इनएक्टिव हैं, इस पॉइंट को अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब जी आते हैं इस पॉइंट के ऊपर के लाइजोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस हैं। कितने एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट? ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसका काम है ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलाइज करना आपके प्रोटीन्स को, डीएनए को, आरएनए को, कार्बोहाइड्रेट्स को या पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स को। अगर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट, किसी किस्म का कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, कोई जेनेटिक डिजीज आ जाए, और इन 50 में से कोई एक एंजाइम भी प्रॉपरली, एक भी एंजाइम की प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो, तो डेफिनेटली दिस विल लीड यू टूवर्ड्स दी डिफेक्ट्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब तक कितने रिपोर्टेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग दीज लाइजोसोमल एंजाइम्स? दीज आर 30 डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच आर अंटिल नाउ रिपोर्टेड की जी आपके लाइजोसोम के अंदर ये जेनेटिक म्यूटेशन आई, वो फ्लां पर्टिकुलर एंजाइम जो है प्रॉपरली उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई, प्रॉपरली वो काम नहीं कर सका, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल लिपिड एक्यूमुलेट कर गया, जिसकी वजह से आपका पेशेंट डिजीज स्टेट की तरफ चला गया। अब इसके एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गोशर डिजीज। अच्छा, गोशर डिजीज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिसऑर्डर है लाइजोसोम्स का, कि जी एक पर्टिकुलर एंजाइम है आपके लाइजोसोम्स के अंदर जिसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना ग्लाइकोलिपिड्स की। वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन आ गई, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से प्रॉपरली एंजाइम नहीं बना। अब क्या होगा जी, लिपिड्स एक्यूमुलेट कर गए, लिपिड्स एक्यूमुलेट करके अब इससे रिपोर्टेड साइंस एंड सिम्टम्स आपके पास क्या आर्टिकल्स में मेंशन है, देर विल बी लिवर एनलार्जमेंट, देर विल बी स्प्लीन एनलार्जमेंट, पेशेंट विल बी इन एनीमिक कंडीशंस, एनीमिया हो गया पेशेंट को, वीकनेस होगी, आई मूवमेंट के डिसऑर्डर्स आ गए, स्पॉट्स मिले, येलो कलर के स्पॉट्स मिले आईज पे। सो दीज आर द सिम्टम्स एंड द साइंस एंड सिम्टम्स विच आर एसोसिएटेड विद द गोशर डिजीज। गोशर डिजीज क्या थी? दिस वॉज द जेनेटिक म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जीन में आई, जिसकी वजह से आपके ग्लाइकोलिपिड्स की प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं हुई, लिपिड्स एक्यूमुलेट कर गए। ओके, अब तक की डिस्कशन का कंक्लूजन ये है जी, इंजाइम्स जो आपके लाइजोसोम्स के अंदर हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर तरह से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो लाइजोसोम्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है, दैट इज थिक मेम्ब्रेन, थिक मेम्ब्रेन है जी, ग्लाइकोसाइलेशन ज्यादा हुई है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ऐड किए गए हैं, और इस वेसिकल के अंदर आपको जो एंजाइम्स मिल रहे हैं, दैट आर दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिव हैं। जब तक आपका ये लाइजोसोम ही था ना एक किस्म का, जब आप कह रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल बन गया, एंजाइम्स गैदर होना शुरू हो गए, जब तक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, दिस वॉज इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आपकी पीएच थी, दैट वॉज न्यूट्रल पीएच। अब आपका ये मेजिकल मूव किया टूवर्ड्स दी गोलजी अपरेटस, वहां ग्लाइकोसाइलेशन एक्सेसिवली हुई। अब क्या हुआ, स्टिल आपका ये जो वेसिकल है, ये जो लाइजोसोम है, दीज आर इनएक्टिव, क्योंकि गोलजी अपरेटस में फुल एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिली जो कि रिक्वायर्ड थी फॉर द लाइजोसोमल एंजाइम्स टू बिकम एक्टिव। ओके, गोलजी अपरेटस में वेसिकल आया, वेसिकल के अंदर एंजाइम्स थे, उसके अंदर के एंजाइम्स आर स्टिल इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि गोलजी अपरेटस में माइल्ड एसिडिक कंडीशन थी,
जबकि हमें मोर एसिडिक कंडीशन चाहिए। गोलिजी अपरेटस में क्या कंडीशन थी जी? गोलिजी अपरेटस के अंदर जो पीएच थी दैट वाज 6.65 प्लस माइनस 0.05, ऑलमोस्ट जी 6 इसकी पीएच थी। अब जी साइटोसोल के अंदर आ गया आपका लाइसोसोम। साइटोसोल की इटसेल्फ पीएच क्या है? दैट इज 7.27 नॉर्मल, ठीक है, दैट इज नॉर्मल पीएच थी। ओके जी, अब ये आ गया आपके साइटोसोल के अंदर। योर साइटोसोल इज न्यूट्रल टिल अंटिल नाउ योर दिस लाइसोसोम इज इनएक्टिव, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जी बायोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किया डिफरेंट आपको आइंस मिल रहे हैं आपके साइटोसोल के अंदर। अब आपके लाइसोसोम ने क्या करना है, बेसिक आइंस भी हैं, एसिडिक आइंस भी हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं यानी कि प्रोटोन्स हैं, बाइकार्बोनेट आइंस हैं। अब यहाँ पे आपका लाइसोसोम क्या करेगा, जैसे ही आपका लाइसोसोम आपके साइटोसोल के अंदर आया, इसके अंदर आपके लाइसोसोम के अंदर प्रोटोन पंप्स हैं। प्रोटोन पंप्स ने क्या किया जी, प्रोटोन पंप्स ने, ये दिस इज अ डायग्राम जी, ये लाइसोसोम है, इसका ये प्रोटोन पंप है। अब प्रोटोन पंप ने क्या किया, एनर्जी यूटिलाइज की, जारी उसे एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी क्यों यूटिलाइज की, क्यों उसकी एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड थी, जिसने साइटोसोल में से आपके जो प्रोटोन्स थे हाइड्रो एच प्लस आइंस से उन्हें उठाना था, उठाकर अपने अंदर लेकर जाना था, लाइसोसोम के अंदर लेकर जाना था। अब जी जैसे ही प्रोटोन आइंस आपके लाइसोसोम के अंदर गए, वहां एसिडिक आपके पास पीएच आ गई जी, 5 पीएच आ गई। नाउ दिस इज द आइडियल पीएच। अब जब इस पीएच के ऊपर आपके जो एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोमल एंजाइम है, नाउ दीज आर एक्टिव। अब हाइड्रोजन आइंस को आपके वेसिकल के अंदर लेकर जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दी एटीपी। ओके जी, अब आपके लाइसोसोम्स आर एक्टिव जी। अब यहां से कंक्लूड करते हैं जी, लाइसोसोम के दो टाइप हैं, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम्स, दीज प्राइमरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स हैं दैट वर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम दी गोलिजी अपरेटस एंड दे वर इनएक्टिव। लेकिन फॉरन ही बात क्या होना शुरू हो गया, आपके लाइसोसोम्स एक्टिव फॉर्म में आ गए, आपके प्रोटोन पंप्स ने, लाइसोसोम के प्रोटोन पंप्स ने हाइड्रोजन आइंस उठाए साइटोसोल से और लाइसोसोम के अंदर डाल दिए, एंजाइम्स एक्टिव हो गए, साथ ही जी कोई एक्सटर्नल मटीरियल आया आपके सेल के बाहर से या सेल के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हुई, आपका ये लाइसोसोम फ्यूज कर गया उस वेसिकल के साथ, उस पर्टिकुलर एजेंट के साथ, उस बैक्टीरिया के साथ, और जी एक्टिव हो गया, इसने अपनी पूरी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम, जब ये वाला लाइसोसोम मिला एक्सटर्नल मटेरियल के साथ, कैसे मिला ये अभी डिस्कशन करते हैं। ओके अच्छा, अब एक डेफिनेशन अगर आप गौर करें, बाज जगह पे सेकेंडरी लाइसोसोम की डेफिनेशन क्या लिखी है कि जी दीज आर द एक्टिव लाइसोसोम्स। सारे एक्टिव तभी हुए ना जब इनके अंदर हाइड्रोजन आइंस गए विद द हेल्प ऑफ द पंप, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोन पंप। अच्छा, अब आगे बाज ने लिखा जी दिस इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विद द फैगोसोम। के जी जब फैगोसोम कैसे बना, एक्सटर्नल बैक्टीरिया आया, कोई मटीरियल आया आपके लाइसोसोम के अंदर गया, इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल बनाकर अंदर गया, दैट इज फैगोसोम। फैगोसोम ने फ्यूज किया प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। अब अक्सर बुक्स कह रही हैं जी दिस इज एक्चुअली दी सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सो यू कैन कंक्लूड, आप कह सकते हैं ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, हाइड्रोजन अंदर लेके गया, साथ ही एक्सटर्नल मटीरियल आया। सो यू आप अलग अलग भी कह सकते हैं जी, खाली ये एक्टिव लाइसोसोम जिसके अंदर प्रोटॉन्स जाने शुरू हो गए, दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडली आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ बुक्स के अकॉर्डिंगली कि जी जब ये प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ ही यूनाइट किया, नाउ दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। लेकिन कुछ लोग इससे कहते हैं जी दिस इज नॉट द एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। कुछ लोग कहते हैं जी प्राइमरी जो कि एक्चुअल होना भी चाहिए, कि जी प्राइमरी लाइसोसोम क्या था, वो लाइसोसोम जो गोलिजी अपरेटस से पिंच ऑफ किया, स्टिल दिस इज इनएक्टिव। फॉर मी सेकेंडरी लाइसोसोम अब क्या है जी, जैसे ही साइटोसोल में आया प्रोटोन पंप्स एक्टिव हुए, प्रोटोन पंप्स हाइड्रोजन आइंस को अंदर लेकर गए, अब क्योंकि आपके एंजाइम्स एक्टिव हो गए, नाउ दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब जी अब जब आपका ये लाइसोसोम, ये वाला लाइसोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम जब फैगोसोम के साथ यूनाइट करे, दैट इज एक डिफरेंट नाम अब हम लोगों के पास आ जाता है, वो नाम अभी डिस्कस करेंगे। उस नाम को मैं नहीं कह रही कि जी दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम, दैट इज फैगोलाइसोसोम, ठीक है। अब आ जाते हैं इंजेक्शन बाय द सेल्स। ये फैगोसोम, ये जो भी मैं टर्म्स बोल रही हूँ, फैगोसोम, एंडोसोम, ये है क्या चीजें, बने कैसे, इस चीज को डिस्कशन करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ
इंजेशन बाय दी सेल्स। ओके जी, आपका सेल किस तरह से एक पर्टिकुलर मटेरियल को इंजेस्ट कर सकता है, अपने अंदर लेकर आ सकता है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। बुक्स उठाएं, किसने लिखा फैगोसोम, फैगोसाइटोसिस के जरिए, किसी ने लिखा पिनोसाइटोसिस के जरिए, किसी ने कहा एंडोसाइटोसिस के जरिए। ओके, एंडोसाइटोसिस के जरिए मटेरियल अंदर गया एक वेजिकल के फॉर्म में, एंडोसोम बन गया, पिनोसोम बन गया, फैगोसोम बन गया। भी एक्चुअली सेल डाइजेशन का प्रोसेस है क्या, सेल डाइजेशन की क्लासिफिकेशन क्या है? जी, मेन क्लासिफिकेशन आपके पास है एंडोसाइटोसिस। अब इस एंडोसाइटोसिस के अंदर आपके पास तीन क्लासिफिकेशन, तीन फर्दर सब डिविजन आ रही हैं, दैट इज पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास ब्रॉडर टर्म है एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस के अंदर ही यू हैव पिनोसाइटोसिस, यू हैव फेगोसाइटोसिस, यू हैव रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या चीजें हैं जी, डिस्कस कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस डायग्राम देखें, डायग्राम देख के लग रहा है कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है। वो जब सेल के अंदर जा रहा है, सेल के साथ फ्यूज किया, वेजिकल उसके राउंड बन गया, दैट इज फेगोसोम। सो लार्जर मॉलिक्यूल जा रहा है, दिस प्रोसेस इज फेगोसाइटोसिस। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, सल्यूट्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, या लिक्विड मटेरियल है अंदर जा रहा है, स्मॉल साइज है, तो दिस इज पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर ने हेल्प की, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के रिसेप्टर्स ने हेल्प की, रिसेप्टर्स के साथ एक्सटर्नल मटेरियल लगा, एक्सटर्नल मटेरियल सेल के अंदर गया, दिस इज एक्चुअली द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सेम ये डायग्राम भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है जी। फेगोसाइटोसिस में यू हैव लार्जर पार्टिकल्स, इन पिनोसाइटोसिस यू हैव सोल्यूट्स एंड द फ्लूइड, इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जी आपके रिसेप्टर्स हेल्प कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को आपके सेल के अंदर लेकर जाने के लिए। ओके, साइजेस का डिफरेंस चेक कर लेते हैं जी। पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड अंदर जाएंगे, सोल्यूट्स अंदर जाएंगे, साइज क्या होगा पार्टिकल्स का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, फेगोसाइटोसिस में साइज क्या होगा इंजेस्टेड पार्टिकल का, 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका साइज है। सो पिनोसाइटोसिस में पॉइंट्स में साइज आ रहा है, पॉइंट माइक्रोमीटर में, और फेगोसाइटोसिस में 1 to 2 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ अगेन जो क्वेश्चन पे आते हैं कि डज एन एंडोसोम या फिर फेगोसोम बिकम लाइजोसोम? नहीं, ऐसा नहीं है भाई कि जी आपका बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल आया आपके सेल के अंदर गया, नाउ दिस इज फेगोसोम, फेगोसोम बन गया, फेगोसोम ने यूनाइट किया, फ्यूज किया विद योर लाइजोसोम, ठीक है, दिस इज लाइजोसोम, ये लाइजोसोम और फेगोसोम आपस में यूनाइट किए, नाउ दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फेगोलाइजोसोम। अब जो भी मटेरियल अंदर था, चाहे बैक्टीरिया था, वायरस था, कोई भी सेल का वेस्ट मटेरियल था, उसकी जी अब डाइजेशन होगी, डाइजेशन होके जी अब आपके फेगोलाइजोसोम ने क्या बाहर रिलीज किया, सॉल्युबल मटेरियल को रिलीज किया आपके सेल के बाहर। सो अब जी किस किस्म के एंजाइम्स, कुछ जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है लाइजोसोम के अंदर? आपके लाइजोसोम के अंदर प्रोटीएसेस प्रेजेंट है जिनका काम है हाइड्रोलाइज करवाना प्रोटीन्स को किसमें, इनटू अमीनो एसिड्स। लाइपेजेस प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइज करवाएंगे लिपिड्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसराइड्स। ओके, यू हैव अमाइलेजेस जिनका काम क्या है, हाइड्रोलाइज करवाना पॉलीसेकेराइड्स को इनटू ग्लूकोज यानी कि स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करते जाना। यू हैव न्यूक्लियसेस जो कि हाइड्रोलाइज करवाएंगे न्यूक्लिक एसिड को इनटू मोनो न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये जस्ट स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स हैं खाली। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, फाइनल फंक्शन की तरफ आते हैं जी। दिस इज द लाइजोसोम्स आर दी डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ योर सेल। काम क्या है, डाइजेस्ट करना एक्सटर्नल मटेरियल को, अपने सेल के डिस्ट्रक्ट वेस्ट मटेरियल को इनगल्फ करना उसे, देन उसको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जी अपने सेल के बाहर उसे, सेल के अंदर उसे फेंक देना कि नाओ जी अब ये किसी किस्म का हार्मफुल मटेरियल नहीं रहा। ओके जी, फंक्शन डिस्कस कर लिया, दे विल एनगल्फ एक्सोजेनस सब्सटेंसेस, एक्सोजेनस जो बाहर से सब्सटेंसेस आए फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरसेस, और उन्हें डिग्रेड कर देना। ओके, अब जब सेल की डेथ होगी, वही दोबारा से फंक्शन रिपीट करूं, सेल की डेथ होगी, लाइजोसोम्स ने क्या किया, उनकी सेल उस मटीरियल को एनगल्फ किया, उसको डाइजेस्ट कर दिया,
ओके, सेल इस काबिल नहीं रहा कि रिपेयर कर सके, ऑटोलाइसिस की तरफ आपका लाइसोसोम चला गया, खुद लाइसोसोम ब्रेस्ट कर गया, सो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ चल गया, सो दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स.